हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। मैं आलोक पांडे आपको ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट का स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यू इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके कंप्लीट डिटेल में क्या स्ट्रक्चर है, क्या इन्फॉर्मेशन है, सभी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो हमारा जो ओवरी रहता है जो प्लांट का ओवरी रहता है, आपको पता है क्या होता है, कैसा दिखता है? अगर मैं गाइनोशियम की बात करूँ तो गाइनोशियम क्या रहता है? फीमेल पार्ट रहता है। अगर उसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो उसका क्या रहता है? कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरह से रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ये हमारा क्या पार्ट है? स्टाइल है। और हमारा ओवरी पार्ट क्या होता है? ये पार्ट जो नीचे है इसे हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ओवरी में क्या रहता है हमारा? इस तरह से अटैचमेंट देखने को मिलता है और इसके ऊपर छोटे छोटे बीट्स ऐसे दिखते हैं। तो यही जो हमारा क्या जानते हैं, यही हमारा जो ओवरी के अंदर है, ओविल सेक जो रहता है हमारा, जो ये देखिए एनाट्रोपस ओविल है, इसी तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे इसका प्रेजेंट है, इसका लोकेशन कहाँ पे, मैंने ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया था। तो जो हमारा ये सेक है, तो ये कहाँ पे अटैच रहता है? प्लेसेंटा पे अटैच रहता है। तो ये सेंट्रल लाइन है, ये हमारा क्या है? प्लेसेंटा है। तो ये हमारा जो मैंने यहाँ पे नीचे आपको ड्रॉ किया है एनाट्रोपस ओविल का, तो ये बेस पार्ट क्या है? प्लेसेंटा है। मीन्स ये यहाँ पे इस तरीके से अटैच है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली ऐसा रखता हूँ तो मेरा क्या रहेगा? ये ऐसा दिखेगा। अगर ये वर्टिकली मैं रखता हूँ तो ये हमारा क्या रहेगा? इसे टर्न हो जाएगा, इस तरह से बेंडिंग में दिखेगा। ये हमारा क्या है? एनाट्रोपस ओविल है। तो ओविल मैंने एनाट्रोपस अगर बोल रहा हूँ तो क्या एक ही तरफ का एनाट्रोपस ही ओविल होता है? नहीं, टोटल 6 टाइप्स के ओविल होते हैं। तो मेजरली ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में, प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? एनाट्रोपस ओविल मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या काम करने वाले हैं, जब मेजरली यही मिलता है इसके बारे में ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब बोलेंगे सर एनाट्रोपस और बाकी सब में डिफरेंस क्या है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस पोजीशन ऑफ मैक्रोपाइलर जो एंड है ये क्या है? डिफरेंट है। कभी यहाँ पे रहेगा तो कभी यहाँ पे रहेगा, तो यही कभी कभी ऊपर रहता है मैक्रोपाइलर एंड। तो हर जो अलग अलग तरह के ओवल रहते हैं उसमें अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग जगह पे हमारा माइक्रोपाइल एंड दिखता है, इसीलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, उनको अलग अलग नेमिंग दिया गया है इसके पोजीशनिंग की वजह से। तो अब माइक्रोपाइलर क्या होता है? माइक्रोपाइलर क्या काम करता है? स्मॉल ओपनिंग प्रोवाइड करता है। पतला सा ओपनिंग ये हमें दिख रहा है, बड़ा सा बनाया गया है इसकी वजह से आपको इजीली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या रहता है? नैरो स्पेस रहता है। इस नैरो स्पेस में क्या रहता है? जो भी ओविल, जो ट्यूब क्रिएट होता है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन, जब मेल गैमेट आता है तो वाया ट्यूब आता है। ट्यूब जब आता है तो कहाँ पे जाता है? उसका एंट्रिंग पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माइक्रोपाइलर एंड से स्टार्ट होता है। माइक्रोपाइलर पॉलन ट्यूब आता है। पॉलन ट्यूब कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा। ऊपर जैसे यहाँ से पॉलन ट्यूब आएगा, ऐसे आते 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 इसके अंदर जाएगा। प्लेसेंटा से होते हुए इसके अंदर घुसता है, कहाँ से? माइक्रोपाइलर एंड से जाता है। तब इसका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ये हमारा जो सेक है आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। ये इस न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस बोला जाता है। एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस और एम्ब्रियोनिक सेक बोला जाता है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ क्या है? न्यूक्लियस है। तो देखिए, और इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? जब हमारा इस ओविल की बात किया जाए तो देखिए, प्लेसेंटा से है। प्लेसेंटा से अटैच होने के बाद क्या है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या काम करता है? फ्यूनिकल हमें इस ओविल को रेस करने का काम करता है, मीन्स इसको ऊपर उठाने का काम करता है, जिसके वजह से ये इजीली रहे। प्लेसेंटा का फंक्शनिंग भी आप जानते होंगे क्या होता है। प्लेसेंटा जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, वो न्यूट्रिटिव वैल्यू मदर सेल से चाइल्ड को जो रहता है, ऑफस्प्रिंग को रहता है, उसमें ट्रांसफर होता रहता है। तो सिमिलरली जो प्लेसेंटा क्या काम करेगा, इसी तरह से न्यूट्रिटिव वैल्यू जो रहेगा उसके पास, वो सारे के सारे इसको ट्रांसफर करेगा यहाँ पे। तो ये हमारा फ्यूनिकल क्या काम करता है? इस ओवरी पार्ट को रेस करता है, जिसके वजह से यहाँ से आते हुए यहाँ पे हमारा क्या चला जाए? पॉलन ट्यूब चला जाए। जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो हमारा देखिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हाइलम के बारे में। हाइलम किसे बोलते हैं? तो हाइलम जो है ये क्या काम करता है? मेन बॉडी। ये हमारा मेन बॉडी है। जो हमारा जरूरी है मेन फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म होता है? यहाँ पे परफॉर्म होता है। मेन बॉडी को फ्यूनिकल से अटैचमेंट अटैच करने का काम कौन करता है? हाइलम। जिस पॉइंट पे आपका मेन बॉडी और आपका फ्यूनिकल ये दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? हाइलम बोला जाता है। अब हाइलम से ऊपर आते हैं। तो ये हमारा क्या है?
चीजरलैंड है, ओके, इसे चीजरलैंड या फिर चलाइसा भी बोला जाता है। जैसा कि आपने माइक्रोपाइलर देखा, माइक्रोपाइलर क्या है, नीचे की तरफ है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, और चीजल एंड क्या है, चलाइसा एंड क्या है, बिल्कुल माइक्रोपाइलर का अपोजिट है, ओके, अपोजिट पोजीशन पे पाया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा ऊपर का पार्ट जो है, थिकन पार्ट है, थिक पार्ट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चलाइसा बोलते हैं, ओके। अब ये चलाइसा क्या है, इसे टू लेयर से, दो लेयर से क्या काम किया है, एम्ब्रियोनिक सैक जो है हमारा, जो यहाँ पे दिख रहा है सर्कुलर जो शेप है, इसको क्या काम कर रहा है, कवर कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। आउटर देखिए, ये क्या है हमारा, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट। आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट क्या काम करता है, इसे क्या काम करता है, ग्रैप पकड़ने का काम करता है एक दूसरे से, मतलब एकदम अच्छी तरह से, जैसे कि जैसे ऐसा लगता है हैंडशेक है, इसे ग्रैप करके इसे पकड़ के रखा है, ओके। इसका फंक्शनिंग क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है कि हमारा ट्यूब क्या यहाँ से न जाए, और ये थिकनेस प्रोवाइड करता है, ओके। तो और भी हम इसके बारे में देखिए, ये हमारा हो गया आउटर, और इसी तरह से इनर, दो क्या है, दो लेयर बना है, ओके। तो इसका काम क्या रहता है, सिनर्जी, आउटर इंटीग्रमेंट और इनर इंटीग्रमेंट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे एम्ब्रियोनिक सेक के लिए, ओके। अब हमारा क्या हो गया, देखिए हाइलम हो चुका है, फ्यूनिकल मैंने बता दिया, ओके, प्लेसेंटा बता चुका, फ्यूनिकल बता दिया हूँ, हाइलम बता दिया, ओके, एम्ब्रियोनिक सेक भी मैंने बताया, ओके, कलेक्शन ऑफ, ये हमारा जो ऊपर, अगर आप एम्ब्रियोनिक सेक के अंदर देखेंगे, ओके, तो ऊपर जो तीन है क्या है, आपको थ्री सेल्स दिख रहे हैं, ये तीनों सेल क्या है, इन्हें एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ओके। एंटीपोडल सेल्स क्या काम करते हैं, ये न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसको नरिशमेंट, जो हमारा इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करने की बात करता है, ओके, नरिशमेंट प्रोवाइड करने करता है सेल्स को, जिसकी वजह से इजीली वो अच्छी तरह से डेवलप हो सके, ओके। फिर ये हमारा क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों इसे बोला जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का मींस ये है, क्योंकि ये क्या है, डिप्लॉइड है, ओके। अब हम बात करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन की बात होती है तो हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये हमारा क्या है, डिप्लॉइड सेल, ओके। हमारा एंटीपोडल सेल है, ये भी हैप्लॉइड 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 है, लेकिन हमारा जो सेकेंडरी न्यूक्लियर है, ये हमारा कैसा है, डिप्लॉइड है, ओके, इसीलिए हमें इसे क्या बोला जाता है, इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है। एम्ब्रियोनिक से क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियर, और क्या रहता है, सिनर्जिड्स और एग सेल का, ओके। एग सेल आपको पता है फर्टिलाइजेशन में मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, फीमेल गैमेट जो है वो क्या है, एग सेल है, ओके, ये फीमेल गैमेट है। अब हम बात करते हैं सिनर्जिड का, जो कि हमारा जो एग सेल रहता है उसका साइज क्या रहता है, बड़ा रहता है, उसका साइटोप्लाज्म बड़ा रहता है, उसके कंपैरिजन में जो सिनर्जिड उसके दोनों तरफ रहता है, ओके, एक राइट हैंड साइड में रहता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। ये दोनों सिनर्जिड का फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं कि जिसकी वजह से, ये एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा एंथर से स्टिग्मा पे आता है पॉलन ग्रेन, उसको प्रॉपर पोजीशनिंग पता चलता है कि कहाँ पे जाना है, कौन से डायरेक्शन से होते हुए अंदर जाना है। यही दोनों एक क्या काम करते हैं, उसको बताते हैं इसका पोजीशनिंग, इसकी एंट्री पोजीशन क्या है, ये है। तो सिनर्जिड हेल्प करता है कि जिसकी वजह से इजिली क्या हो जाए, हमारा यहां से निकलते हुए फर्टिलाइज कर सके एग सेल से, ओके। तो ये हमें क्या काम करता है, डायरेक्शन दिखाने का काम करता है हमारे, ओके। अब इसके अलावा क्या बचा है हमारा, ओके, तो अब हमारा बचा है न्यूसिलस, ओके। न्यूसिलस क्या है, न्यूसिलस ये हमारा मटेरियल, देखिए यहाँ पे जो कैविटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एम्ब्रियोनिक सेक के अल्पहार, ये हमारा जो कैविटी आपको देखने को मिल रहा है, ये कैविटी क्या काम करता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड करने के देता है, ओके। न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ कुछ प्लांट्स में देखेंगे, अगर हाइयर प्लांट्स में, तो किसी किसी में ये रहता है कि न्यूसिलस डिएसेंस, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद भी रह जाता है, और किसी किसी में क्या होता है, ये चला जाता है, ओके। इसका काम क्या रहता है, तो जैसे कि आप प्लेसेंटा से देखिए, प्लेसेंटा से आया था सारा न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता था, उसी तरह से ये क्या काम करता है, न्यूट्रिशन सारे वैल्यूज, न्यूट्रिशन वैल्यू देने का काम करता है, ओके। तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोबस ओविन मैंने क्या काम किया, कंप्लीट कर लिया है, ओके। इसके आगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वो डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है,
मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स जो आपने एलेक्ट्रोपस ओविल देखा था उसमें क्या देखा था आपने, एम्ब्रियो सेक देखा था। ओके, एम्ब्रियो सेक देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर बोलते हैं। और मेगास्पोर कैसा डेवलप होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, मीन्स इस तरह से ये बनता है, उसे हम क्या होता है जेनेसिस बोलते हैं, मीन्स किसी का पैदा होना। ओके, तो मेगास्पोरोजेनेसिस स्पोर्स फॉर्मेशन है। स्पोर्स क्या होता है आपको ये भी पता है, जो कि फर्टिलाइजेशन में जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मदर मेगास्पोर जैसे कि अगर बोला जाए तो हमारा इनिशियल कंडीशन में वो क्या रहता है, एक सिंगल सेल रहता है। मींस इस तरह से हमारा न्यूक्लियर जो रहता है मेगास्पोर इस तरह से पहले नहीं था। ओके, पहले हमारा सिंगल सेल था और वो सिंगल सेल हमारा मेगा जो स्पोर था वो इसका मीन्स इसका पोजीशन क्या था अगर देखेंगे तो मोर ओवर इसका ज्यादातर देखा जाएगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ था। ओके, माइक्रोपाइलर एंड आपको पता है उस साइड पे छोटा सा ये सिंगल सेल इनिशियल कंडीशन पे था। ओके, इसे मदर इसे क्या बोला जाता था, मेगास्पोर मदर सेल्स भी इसे बोला जाता था, MMC। ओके, मेगास्पोर मदर सेल, ये सेल क्या काम करता था, अपने आप को डेवलप करता, मीन्स डिवाइड करता था। डिवीजन किस हिसाब से, मियोसिस करता है। मियोसिस आपको पता है, मियोसिस जब भी डिवीजन होता है तो हैप्लॉइड फॉर्म होता है। ओके, डिप्लॉइड सेल अपने आप को हैप्लॉइड बनाता है। आपको पता है पेयर में हमेशा क्रोमोसोम होता है। ओके, जब 2n रहता है क्रोमोसोम वो अपने आप को n में डिवाइड कर देता है तो सिंगल n को क्या बोला जाता है, हैप्लॉइड बोला जाता है। ओके, तो इनिशियली जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के समय एक सेल कितने में डिवाइड हो जाता है, टोटल 4 में डिवाइड होता है। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है तो दो सेल बनता है, दो सेल डिवाइड होता है 4 सेल्स बनता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस होने की वजह से एक सेल क्या हो गया, 4 सेल में कन्वर्ट हो गया। और ये 4 सेल किस तरह से है, 4 हैप्लॉइड सेल है। ओके, और सारे के सारे क्या है, मेगास्पोर है। मेगास्पोर मीन्स डेवलप, इन ये सब के पास कैपेसिटी होता है मेगास्पोर डेवलप करने की। ओके, लेकिन जो टूवर्ड्स द बेस रहता है और इसका पोजीशन अगर बोला जाए, जब ये आपको 4 सेल उसके अंदर जब फॉर्म हो जाता है मेगास्पोर के अंदर, ओके, तो वो क्या, उसका पोजीशनिंग क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर होता है। ओके, मेगास्पोर के एकदम मींस जो हमारा एनाट्रोपस ओवल है उसके सेंटर में रहता है। ओके, तो उसके अंदर जब सेंटर की तरफ था तो 4 उसमें से जो 3 ऊपर के जो 3 रहते हैं के एक दूसरे के ऊपर पाइल रहते हैं, जैसे एक के ऊपर एक अरेंज स्टैक किया जाता है, अरेंजमेंट होता है, स्टैक अरेंजमेंट फॉर्म में रहता है। लेकिन जो रिमेनिंग जो ऊपर के 3 रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने आप को डिहाइसेंस कर देते हैं। डिहाइसेंस मीन क्या होता है, आपने इसके बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो एक्सप्लेन किया था। ओके, ये अपने आप को डीजनरेट कर देते हैं, अपने आप को स्लो स्लो ये क्या हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाते हैं। ओके, तो ये सेल नहीं रहता उसकी तरह से, ये डीजनरेट हो जाता है। और ये जो सेल होता है हमारा, जो नियर वन है, जो छोटा सा नीचे वाला रहता है, वो क्या होता है मेगास्पोर, जो डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो सेक में। ओके, तो हमारा एम्ब्रियो सेक यही डेवलप होते होते ये हमारे जो सेल मिला है, ये हमें हैप्लॉइड आपको मिलता है। ओके, एम्ब्रियो सेक किसमें फॉर्म में मिलता है, हैप्लॉइड में मिलता है। ओके, हैप्लॉइड में है मीन्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में हमेशा कौन सा जाता है, हैप्लॉइड जाता है। ओके, मेल हैप्लॉइड फीमेल हैप्लॉइड मिक्स होके क्या होता है, डिप्लॉइड सेल बनते हैं और वही चीज क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमारा हैप्लॉइड मेगास्पोर डेवलप हो जाता है। और ये क्या होता है, अपने आप को इन्वायरमेंट से मीन्स मेगास्पोर जो एनाट्रोपस ओविल में जो न्यूट्रिटिव चलाइसा एंड हो गया, फिर माइक्रोपाइलर एंड हो गया, यहाँ से मतलब जो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू रहता है सारे के सारे न्यूट्रिटिव प्लस अब्सॉर्ब कर लेता है और अपने आप को डेवलप करता है। क्यों डेवलप कर देता है, उसका साइज क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसको बहुत सारे प्रोसेसेस और भी करने रहते हैं, तभी तो ये अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा मेगास्पोर। और मेगास्पोर क्या रहता है, वन ऑफ द बिगेस्ट रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला मेगास्पोर क्या रहता है, यहाँ पे डेवलप हो जाता है। ओके, तो मेगास्पोर क्या हो जाता है, उसका ग्रोथ होते होते ये क्या हो जाता है, एंड नियर द माइक्रोपाइलर। इसका पोजीशनिंग कहां पे हो जाता है, माइक्रोपाइलर एंड के इस तरफ आ जाता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम शो किया था, ओके, वही चीज मैं आपको फिर से शो करके दिखाता हूं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे है, इससे हमारा क्या था, ऐसा था। ओके, ओके, तो ये देखिए
इसका क्या था, कुछ सिमिलर ऐसा स्ट्रक्चर था। ओके तो ये हमारा क्या हो गया स्ट्रक्चर उसका था। तो ये इसका पोजीशनिंग, ये हमारा क्या है माइक्रोपाइलर एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ओके नियर द माइक्रोपाइलर हमारा क्या है एम्ब्रियोनिक सेक है। ओके तो ये हमारा एम्ब्रियोनिक सेक इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ जाता है। ओके इसके बाद इसका क्या होता है माइटोटिक डिवीजन होता है। अब बोलेंगे माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया मियोसिस में कोई भी सेल क्या होता है एक से चार होता है और लेकिन वो क्या होता है हैप्लोइड बन जाता है, लेकिन ये पहले से ही क्या है हैप्लोइड है। तो इसको और हैप्लोइड होने की जरूरत क्या है, क्या एन से और कैसे एन हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये क्या काम करता है अपने आप को मियोसिस की जगह पे माइटोसिस करता है। माइटोसिस अगर होगा तो एक ही सेल का क्या होता है कॉपी बनता है। जैसे कि हमारे बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल होते हैं और जर्म सेल होते हैं। तो जर्म सेल हमेशा क्या काम करते हैं, जर्म सेल यंग वन मींस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए रहता है और उसमें हमेशा हैप्लॉइड चाहिए रहता है। लेकिन हमारे जो बॉडी के सेल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं हमारे बॉडी सेल्स रहते हैं जो कि हमारे क्या रहते हैं ये डिप्लॉइड रहते हैं और ये हमेशा अपने जैसा ही कॉपी को क्लोन को डेवलप करते हैं। तो सिमिलरली ये भी क्या काम करता है न्यूक्लियर अपने जैसा ही क्लोन डेवलप करता है माइटोटिक डिवीजन करके। ओके माइटोटिक डिवीजन में वन न्यूक्लियस से कितने में डिवीजन हो जाता है टू न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाता है। फिर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में ये दो से कितना बन गया टोटल फोर हो गए। ओके डायग्राम वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजी पड़ेगा और कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन अगर डायग्राम को याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपको लिखने के लिए सिंपल हो जाएगा। ओके और ये फोर क्या होगा फिर से एक बार और माइटोटिक डिवीजन करेंगे। थर्ड टाइम जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये फोर का कितना हो जाएगा टोटल एट काउंटिंग हो जाएगा। ओके एट काउंटिंग हो गया तो ये एट काउंटिंग क्या काम करता है अपने आप को सेपरेट कर देता है दोनों के दोनों और चारों फोर फोर पेयर बना के कहां पे हो जाते हैं अपने आप को पोल की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे नॉर्थ पोल है साउथ पोल है सिमिलरली ये भी अपने आप को क्या काम करते हैं अपने आप को पोल की तरफ रखते हैं। लेकिन इसमें में से एक सेल जो रहता है एक न्यूक्लियस ओके सॉरी सेल नहीं न्यूक्लियस ये सभी क्या है न्यूक्लियस है। तो जब एट न्यूक्लियस बन जाता है तो उसमें में से हर पोल से एक न्यूक्लियस कहां पे आता है सेंटर की तरफ आता है। ओके तो ये क्या है हमारे आपको ये जो दिख रहे हैं इसे बोलते हैं टू पोलार न्यूक्लियर मीन्स एक पोलार यहां से एक पोलार यहां से ये हमारा क्या है टू पोलार न्यूक्लियर है। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी क्या है कैसा है हैप्लॉइड सेल है। ओके तो ये हमारा क्या हो गया हैप्लॉइड हैप्लॉइड और यहां पे थ्री है और ये भी थ्री। ओके तो हमारा इस पार्ट को तो ये पार्ट हमारा कौन सा पार्ट है ओके ये पार्ट हमारा है देखिए ये पार्ट हमारा क्या हो गया देखिए ये फीमेल गैमेट हमारा एक सेल जो सेंटर में रहता है वो क्या है हमारा एक सेल है। ओके एक सेल क्या काम करता है प्राइमरी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन किसके साथ होता है एक सेल के साथ होता है। तो इसका साइज क्या रहता है बड़ा रहता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा रहता है। ओके ये न्यूक्लियस के अंदर सॉरी साइटोप्लाज्म बोल रहा हूँ साइटोप्लाज्म तो यहाँ पे रहता है ये हमारा न्यूक्लियर हो गया। न्यूक्लियर का साइज क्या रहता है बड़ा रहता है कंपेयर टू अनदर दो जो उसके बगल में है उसके दोनों के कंपैरिजन में। और ये दोनों सेल्स कौन से हैं इन दोनों को क्या बोला जाता है टू सिनर्जिड सेल्स बोला जाता है। ओके सिनर्जिड और ये दोनों सिनर्जिड क्या काम करते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस डेवलप करते हैं। अब बोलेंगे फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या होता है यही फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जिसके वजह से पोलन ट्यूब क्या काम करता है जर्मिनेट होके मीन्स स्टिग्मा से होते हुए हमारे एक सेल के पास आता है माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए। ओके तो ये किसके वजह से होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो हमारा सिनर्जिड क्या काम करता है ट्यूब को प्रॉपर गाइडलाइन देता है कि कौन से पास से कैसे होते हुए आना है। ओके तो ये किससे पता चलता है हमारे सिनर्जिड से होता है। ओके ये दो सिनर्जिड हो गए और हमारा देखिए थ्री क्या है एंटीपोडल सेल है। ये जनरली हमें किसमें देखने को मिलता है एंटीपोडल सेल्स एनोट्रोपस ओविल में देखने को मिलता है। ओके बाकी सेल मतलब किसी किसी में प्रेजेंट रहता है किसी किसी में एब्सेंस रहता है। इसका काम क्या रहता है न्यूट्रिटिव वैल्यू सिर्फ नरिशमेंट रहता है। ओके इसका नरिशमेंट कर देने का काम रहता है। लेकिन देखिए ये जो टू न्यूक्लियस है टू पोलार न्यूक्लियर है ये अपने आप को फ्यूज कर देते हैं और ये दो फ्यूज है देखिए हैप्लॉइड हैप्लॉइड बन के क्या हो जाता है ये सिंगल सेल बन जाता है और ये हमारा क्या है डिप्लॉइड सेल है। ओके तो ये हमारा क्या है फ्यूज न्यूक्लियस है। ओके ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होके सिंगल न्यूक्लियस बन गए। ओके दो न्यूक्लियस मिलके सिंगल न्यूक्लियस बने हैं। ओके और ये हमारा क्या है एम्ब्रियोनिक सेल है। ओके
मैच्योर्ड एम्ब्रियोनिक सेल ये फुल्ली डेवलप हो गया है, जब फुल्ली डेवलप हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के जाने के लिए क्या होता है, यही काम आता है। ओके ये एम्ब्रियोनिक सेल बोला जाए तो ये क्या है, फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट प्रोवाइड करने का मीन्स क्या हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन का ये फीमेल पार्ट है। ओके फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट आता है तो दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। दोनों गैमेट, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है उनका। तो ये क्या है, फीमेल गैमेट है। ओके गैमेटोफाइट्स है। और इसके बारे में क्या बताया जा सकता है, अगर इसके इसके बारे में ये भी है कि सेवन न्यूक्लियस। ओके इसको क्या बोला जाता है, ओके तो ये कितना हो गया, सेवन न्यूक्लियस। ओके सेवन न्यूक्लियस एट बोला जाता है। देखिए सेवन न्यूक्लियस हो गया 1 2 3 4 5 6, लेकिन सेवन न्यूक्लियस में अगर बोला जाएगा तो देखिए हमारे जो एंटीपोडल सेल है, सिनर्जिड्स है और एक सेल है, ये सारे के सारे क्या है, हैप्लॉइड है। मींस 6 हैप्लॉइड सेल्स रहते हैं और हमारा देखिए जो पोलार न्यूक्लियर था वो न्यूक्लियर फ्यूज हो गया। ओके तो जब हमारा फ्यूज हो जाने के बाद ये क्या हो गया, अपने आप को डिप्लॉइड बना दिया। ओके हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिक्स होके सिंगल एक बन गया, न्यूक्लियस बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। ओके सेवन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेवन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है जिसमें से सेवन क्या रहता है, हैप्लॉइड रहते हैं और एक क्या रहता है, न्यूक्लियस डिप्लॉइड रहता है। और इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अगर देखा जाएगा तो ये क्या रहता है, इसका कोई कलर नहीं होता। अगर आप टेस्ट ट्यूब में डायग्राम में देखेंगे तो आपको क्या है, ग्रीन येलो रेड कलर का न्यूक्लियस ऐसा कलर फॉर्म में दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये कलर फॉर्म में नहीं होता, ये फुल्ली क्या रहता है, व्हाइटिश में रहता है। ओके तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट कीजिए कि इसमें क्या क्या फॉल्ट्स हैं। ओके तो प्लीज थैंक यू।